टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पर क्लिक करके, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसे किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? जब हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो हमें तुरंत अवेलेबल जो सर्च हो जाता है वो कहाँ से प्रोसेस होता है, कहाँ से आता है, कहाँ पे वो डेटा रखा हुआ है, क्या आपको ये सब चीज़ें पता है? तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं वो प्रोसेस के बारे में जिसे सर्वर कहते हैं। दोस्तों, सर्वर के बिना इंटरनेट पर सर्च की गई जानकारी हम तक पहुंचना नामुमकिन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि सर्वर किसे कहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि सर्वर एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मुझे इससे हौसला बढ़ता है और आपके लिए और नए नए वीडियोस जो है बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को। तो आइए जानते हैं दोस्तों सर्वर के बारे में। सर्वर 24x7 यानी कि दिन में 24 घंटे सातों दिन काम करता है। आमतौर पर सर्वर बनाने के लिए किसी भी पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा नॉर्मल कंप्यूटर 24 घंटे ऑन रहकर काम नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो किसी सर्वर से कनेक्ट होता है। वो कनेक्ट रहने की वजह से ही आप दिन हो या रात हो कभी भी वो वेबसाइट खोल के कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये सर्वर में स्टोर रहता है वो डेटा, तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए वो 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। तो इसलिए हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर नहीं बना सकते हैं। सर्वर पर एक समय में कई सारे लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर एक समय में बहुत ज़्यादा यूज़र हैंडल नहीं कर सकता और उसके पास उतनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है। इसलिए सर्वर के रूप में हमारे कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि सर्वर एक्चुअल में है क्या। दुनिया की सबसे पॉपुलर वेबसाइट गूगल, जिस पे आप सर्च करते हैं, वो करोड़ों क्लाइंट्स को एक साथ जोड़ता है। गूगल का सर्वर फिर भी उनको बहुत ही आसानी से डेटा भेज देता है, और वो भी बिना देर किए, क्योंकि गूगल के पास एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी है। वो स्टोरेज कैपेसिटी जैसे कि हमारे फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है, जैसे कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, तो वैसे ही गूगल के पास एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जिससे वो सभी क्लाइंट्स को जोड़ के रखता है और उसमें डेटा स्टोर होता रहता है। तो वो एक तरह का मेमोरी कार्ड बोल सकते हैं, एक तरह का आप बोल सकते हैं हार्ड डिस्क, एक बहुत ही बड़ा हार्ड डिस्क जिसमें बहुत करोड़ों अरबों लोगों का डेटा उसमें स्टोर हो सकता है, उसे ही सर्वर कहते हैं। वहीं पे आपका जितना डेटा है स्टोर रहता है और वो सिक्योरली स्टोर्ड है, वो गूगल खुद उसे मेंटेन करता है। तो नॉर्मल भाषा में ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आप गूगल हैं और आपका जो फ़ोन है वो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो एक सर्वर है, तो उससे आप जितने भी लोगों को मतलब कनेक्ट करके रखते हैं वो आपके क्लाइंट्स हैं, और वो जो डेटा वो लोग क्लाइंट्स आपके फ़ोन में स्टोर करते हैं, मतलब आपके मेमोरी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं, वो आपका डेटा है जो आपके सर्वर यानी कि फ़ोन में स्टोर रहता है। सिंपल सी बात है। और उस स्टोर डेटा को वो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके फ़ोन में रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं गूगल की तरह, उनके पास भी अपना खुद का एक सर्वर होता है और वो सर्वर में अपना डेटा वो रखती हैं, ताकि वो डेटा लीक ना हो, किसी के पास ना जाए, तो वो सुरक्षित रहे, इसलिए खुद का सर्वर वो लोग सब बनाते हैं। तो दोस्तों, इसे सिंपल भाषा में सर्वर कहते हैं। आशा करता हूँ ये जो जानकारी है आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या है और किसे कहते हैं। अगर जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो और नए नए वीडियोज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और जल्दी से शेयर भी कर दें। दोस्तों, चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।